उस केस की वजह तू सा लड़ाई सुर बनी उसने दावा क्यों किया अदालत कटन कटिया शौकत शाह मशर देवन जफर मजहर ए बचन दूआ मानू बसाना जहाज बसाना साड़ा लेकर आया वत करा के जहाज बैगन कब्जा कर कब्जा करके सन फैर कीता ने साडे काम दे नाल मेरे फैर को सर पिछु वत मेरे अबे और सारन पिछु भज के गए ते ना अपने काबू कर लिया हुन दूआ वत करन लगे ते सो लिया कातल दुश्मन साडे एवन साडा कातली ना दे कोले पकड़या बसाड़ा ते पुलिस के कीता वे पुलिस साडा कुछ भी नहीं कीता जी असा डीएसपी दे पेश है तां भी कोई नहीं बणा डीआईजी दे पेश है तां भी कोई नहीं उस फोन कीता चक्कियां ले भी कुछ नहीं कीता खुद मैं भी थानेदार दे पैरी हाथ लाया नहीं साडा कुछ कीता वे कुछ भी नहीं दुश्मन बैठे उस वजह से जनाब जिस दिन कतल होया मुंडा उस जो चार दिन पहले सड़का लेकर आपस में झगड़ा भी उस तो बाद जनाब आ रहा था घर आ रहा था सड़क उत्ते शक्कर शाह ने फैर किया पहले मेरे शरफ लड़के में फैर लगा दूसरा फैर मेरे परवे लड़का उस फैर लगा पार्टी मशहूर पुलिस वाले की पुलिस वाले डी आई जी से पेश हुए हैं डी एस पी से पेश भी हुए हैं उसके बाद डी एस पी से पेश भी हुए हैं और एस एच ओ साहब को 495 का एफ आई आर नंबर जरा दरखास्त पर्चा कराया उन्होंने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की साड़ी उन्होंने गल सुनी कहूँ सब धमकी देंगे शफकत शाह के मतलब आदमी उस भाई उन्होंने मकानों के बेचो शफकत शाह ने मिल के बैठे और उन्होंने पता शफकत शाह खबर सजों का भाव आया रात को आंदा भी रहा ये रिपोर्ट भी सामने मिलती है इन्हें साड़े को नुकसान होर हो गए से मेहरबानी की मजे गवर्नमेंट साहब न इतलाह दे रहे हैं डी आई जी साहब इतलाह दे रहे हैं और डी एस पी साहब और एस एच ओ साहब और जनाब पुलिस जनाब मुलजमान ना मिली हुई है कोई साढ़ा मुलजम नहीं फड़ रही है और उल्टा फंड धमके देंगे पुलिस ना मिल के उन्होंने उठा बहा के अपनी गड्डी बेचो तो समान मुलजम वो चबा के लै गए और साढ़े जनाब कोई सुनाई नहीं पुलिस की और पुलिस बिल्कुल सारे मिली हुई मुलजमान ना साढ़ा बंदा नहीं पकड़ साढ़ा मुलजम नहीं पकड़ और साढ़े बड़ी ज्यादा हुई जनाब और मेहरबानी की वजे साढ़ा मुलजम पकड़े वजे और साढ़े जान की खतरा होर खतरा खतरा साढ़े नुकसान
सर कैमरे की तरफ देख, इस वक्त मैं चक 70 में उनके घर में खड़ा हूँ, जिनके बेटे मोहम्मद शेर अफजल को कत्ल कर दिया गया और इनका एक बेटा मोहम्मद परवेज को शदीद जख्मी कर दिया गया। आइए उनके वाले से पूछते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी झगड़ा जो होया पहले इस आके मैं मिल सकता मेरे खिलाफ केस किया सड़क से रोड से आ रहा था रोड से पहले फिर अपने फैर किया लगा स्कर दूसरा फैर मेरे मोहम्मद परवेज लड़के ने किया लगा टंग 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 टूट गई जरा वो मजदूर हो गया और जनाब सारा जुलम हो गया जनाब बिल्कुल असर जनाब अपने पुलिस एफ आई आर कटाई 495 की एफ आई आर नंबर है जनाब सारे जनाब पुलिस वाले कोई नहीं किया सामने धमकी दी पुलिस रिश्वत लै रही रिश्वत लै के खाधी सारा कोई नहीं बनाया। स्टार वेलफेयर के हवाले से आप वजीर आला पंजाब को क्या कहना चाहेंगे और जो हमारे हैं जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपके साथ ज्यादती हुई है? जुलम हो गया जनाब बिल्कुल मेहरबानी की थी वही पुलिस जनाब साई बना रही और मुर्द नपया वही और हक मिला जाए। वज़ीर आला पंजाब से आप दरख्वास्त करें ना कि हमारी सुनवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त जनाब करें साहब रहनुमाई की जाए और जनाब बस एस पी के पेश भी हुए डी आई जी के पेश भी हुए डी एस पी के पेश भी हुए साढ़े जनाब किसी सुनवाई नहीं बोलो जनाब शफकत शाह ने साढ़ा मतलब उस स्कूल कब्जे किए थे असर जनाब मैं जाय साहब को दरख्वास्त दी थी वो जनाब उस दरख्वास्त दी मेरे खिलाफ मैं उसने टक्कर था और उस जनाब मैं शेर अफजल कसर कर दिता लड़के में एक लड़का मोहम्मद परवेज है उसे मजबूर किया टंग टूट गए जनाब असर जनाब डी एस पी साहब भी पेश भी हुए हैं एस एच ओ साहब भी पेश भी हुए हैं 495 एफ आई आर नंबर साढ़ा तो जनाब साढ़ा पुलिस रिश्वत लै रही है मुलजम को मिल गई साढ़े जनाब ने कोई नहीं बनाया डी आई ए की पेश भी हुए हैं डी एस पी की पेश भी हुए हैं डी एस पी की पेश भी हुए एस पी की पेश भी हुए हैं सब सारा सा रिश्वत खाती साढ़े जनाब बिल्कुल कुछ नहीं चाहे शहबाज साहब है वजीर आला पंजाब शहबाज शेर साहब अपील है जनाब मिली साढ़े पुलिस कतरा नोट ले मेहरबानी की वही साढ़े हक प्रस्त की है मकान दे उन्हें सारे ने किया उन्हें सब धमकी दी शीरा ने कतल कर दिया वालों फायर कर देंगे रात खबरदार राजनामा कर लो इस बात साढ़े वास्ते मेहरबानी की वजह सू साथ देना चाहिए इस वास्ते साड़ी सर्वोच्च जिले के कोई पुलिस कोई गल नहीं सुनती वो जो दूसरी पार्टी है पैसे वाली है वो असर सूख वाले बंदे जी वो पैसा दे के मोहम्मद शेर अफजल जो के कत्ल हो गया था उसके भाई को भी बड़ी बेदर्दी से शफकत शाह ने गोलियों से छलनी कर दिया। हम उनसे पूछेंगे कि आपके साथ ये वाकया कैसे आया पेश आया। जी तरह तरस काम ये चलो बोलो बोलो स्कूल के खिलाफ केस किया हुआ था मतलब पता करके बैठे स्कूल से बैठे जी तो दोबरा शहर आते पे मतलब बोलन को नहीं खैर है टुर दिया खैर आज आज नहीं जूम खाना जाल सकते हैं वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद शेर अफजल जो कि बेदर्दी से कत्ल हो गया था उसकी वालदा के पास और मोहम्मद परवेज जिसको शदीद जख्मी कर दिया गया था। स्टार वेलफेयर के हवाले से हम उनकी वालदा से पूछेंगे कि उनके साथ ये जो वाकया पेश आया कैसे। तुसी नहीं बोलना हूं चुप रहो। शाकल मारे पकड़ उन्होंने एक ने फायर मारा से एक दी लत च मारया सु सही कर देता सु शाकल शाह
ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰਦਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ ਸਟਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ स्कूल के तनाजे की वजह से मोहम्मद शेर अफजल तो कत्ल हो गया और उसका भाई परवेज माजूर हो गया, लेकिन आज इसकी वालदा और वालिद के आंखों में आंसू खुश्क हो गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। एक साल बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। मेरी गुजारिश है स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से किस खानदान के साथ इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर न जाने कितने मोहम्मद अफजल कत्ल होते रहेंगे और परवेज जैसे इंसान जख्मी होते रहेंगे। कैमरामैन मुदस्सर पाशा के साथ नसीम अब्बास खान, स्टार वेलफेयर न्यूज, सरगोधा। मुतासरा खानदान का आखण है कि साडे मुलजमान नूं गिरफ्तार किया जाए तो सानूं इंसाफ दिता जाए। अगर सानूं इंसाफ ना मिलिया तो असीं वज़ीरे आला हाउस के अगे खुदकुशी करांगे। कैमरामैन मुदस्सर पाशा के नाल रिफत नानी, रोही टीवी, सरगोधा। मुतासरा खानदान का आखण है कि साडे मुलजमान नूं गिरफ्तार किया जाए तो सानूं इंसाफ दिता जाए। अगर सानूं इंसाफ ना मिलिया तो असीं वज़ीरे आला हाउस के अगे खुदकुशी करांगे। कैमरामैन मुदस्सर पाशा के नाल रिफत नानी, रोही टीवी, सरगोधा। कोई नारे शारे भी ना उच्चा बोलो तासरा खानदान का कहना है कि हमें इंसाफ की फरहमी जल्द से जल्द की जाए और मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि इंसाफ की फरहमी हो। कैमरामैन मुदस्सर पाशा के साथ नसीम अब्बास खान, स्टार वेलफेयर न्यूज़। तासरा खानदान का कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और पुलिस से भी उनकी गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन मुदस्सर पाशा के साथ नसीम अब्बास खान, स्टार वेलफेयर न्यूज़।